कंग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर बिलो कार्ड्स। मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पे दोस्तों कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि कार्ड अप्लाई के लिए मेरे को मिल चुका है। तो दोस्तों जैसे आपको पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बताया था कि मेक माई ट्रिप जो है दोस्तों बहुत ही कमाल कमाल का फीचर्स लेकर आया है, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, इंस्टेंट लोन हो गया, या फिर से आपका बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन, या फिर से फॉरेक्स कार्ड जो कि फ्री में आप आसानी के साथ इंटरनेशनल में अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। उसी चीज को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली उन्होंने फीचर्स को ऐड किया है जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड। और दोस्तों आसानी के साथ यहाँ पे मेक माई ट्रिप के मदद से आप आसानी के साथ किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके और आसानी के साथ उसका अप्रूवल ले सकते हो। जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि कोई भी अगर थर्ड पार्टी वेबसाइट या एप्लीकेशन किसी भी क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करती है तो होता क्या है कि उसमें कम भी सिविल होता है ना, तो आसानी के साथ वहाँ पे अप्रूवल मिल जाता है। तो मेरे को यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, जैसे आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रेडिट कार्ड मेरे को शो रहा है अप्लाई करने के लिए, देख सकते हो यहाँ अप्रूवल भी मेरे को मिला हुआ है। तो सिंपली मैं इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप मेक माय ट्रिप की मदद से कैसे उसमें आपको डिटेल्स फिलअप करना है जिससे कि आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट ना हो या फिर से आपका ऑफर ही ना मिले। तो अगर चाहते हो अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पे मैं SBI का सिंपल से क्रेडिट कार्ड यहाँ बताऊंगा मेक माय ट्रिप के यहाँ पे कैसे अप्लाई कर लेना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है सिंपली। जैसे कुछ दिन पहले वीडियोस के अंदर बताया था आपको कि फॉरेक्स कार्ड कैसे अप्लाई कर लेना है, तो फिलहाल अभी उसको मैं दिखाता हूँ कि अभी मेरा कहाँ पे है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो आप जल्दी से अप्लाई कर लो। देख सकते हो कि हमारा यहाँ से ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया और डिस्पैच भी हो गया है, बहुत जल्दी हो सकता है कि मेरे को ये मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कि यहाँ पे मेक माय ट्रिप जो है क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया जिससे कि आप आसानी के साथ अच्छा खासा आपको यहाँ पे 1 लाख तक यहाँ पे रिवॉर्डेड आपको मिल रहा है, यानी कि आपको क्रेडिट लिमिट मिल रहा है जिससे कि आपको बाय नाउ पे लेटर भी यूज कर सकते हो उसे, या साथ में आप चाहे तो उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी मार सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ट्रिप मनी का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको क्लिक करना है इस पे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक नया होम पेज आपको ओपन हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेवल लोन है, क्रेडिट कार्ड है, इंश्योरेंस है, उसके बाद पे लेटर नाउ है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। सबसे पहले हम लोग बात करने वाला दोस्तों क्रेडिट कार्ड को लेकर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। देख सकते हो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट जो है किसी भी कार्ड का अगर प्रमोशन करती है तो इसमें दोस्तों बहुत ही आसान हो जाता है उसमें आपको क्रेडिट लिमिट मिलना, क्योंकि उस पर अगर नहीं मिलता है तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर भी थोड़ा सा डिफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए वो कम सिविल भी रहता है तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराती है। देख सकते हो कि यहाँ पे मेक माई ट्रिप जो है बहुत सारे ऐसे SBI कार्ड है, या फिर से आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है, या फिर से आपका एक्सिस बैंक का कार्ड है, बहुत सारे कार्ड जो है दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड करा रही है। और कोई भी दोस्तों यहाँ पे आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करना है, ना ही आपको देना है, सिंपली दोस्तों अपने फोन नंबर से लॉग इन करेंगे, उसके बाद कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद से आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा देखने को। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे इसमें अप्लाई करना है जिससे कि आपका यहाँ पे कोई भी कार्ड जो है दोस्तों रिजेक्ट ना हो पाए। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपका यहाँ पे फोन नंबर डालना है, उसके बाद अपना पेन नंबर डालेंगे, उसके बाद फाइंड योर कार्ड के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है कि आपके नाम से कौन सा कार्ड या फिर से आपके नंबर के ऊपर कौन सा अभी के टाइम में अप्रूवल चल रहा है। फाइंड कार्ड के ऊपर दोस्तों क्लिक करते ही मेक माई ट्रिप की तरफ से एक OTP आएगा जो कि आपको यहाँ पे दोस्तों प्रोवाइड करना है। यहाँ पे आप डालेंगे OTP, सिंपली वेरीफाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई के ऊपर दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने एक नया यहाँ पे पेज ओपन बन के आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हो। तो कुछ यहाँ पे डिटेल्स मांगेगा जो कि आपको यहाँ पे करेक्टली तरीके से यहाँ पे फिलअप करना है ताकि आपका जो दोस्तों यहाँ पे कार्ड है डिसअप्रूव ना हो पाए। तो देख सकते हो यहाँ पे आप सिंपली अपना नाम डालेंगे, फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो आपके पैन कार्ड पे है, आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है उसको नहीं डालना है। ठीक है, नहीं तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं। साथ में दोस्तों अपना पिन कोड डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, एम्प्लॉयमेंट टाइम है दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में कहीं से भी पेमेंट आता है, यानी सैलराइड अकाउंट किसी भी कंपनी के नाम से आता है तभी आप सैलराइड सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको सिंपली सेल्फ एम्प्लॉयड आपको सिलेक्ट कर लेना है। एनुअल इनकम है जो है दोस्तों 4 लाख से आपको ऊपर डालना है, 4.5 लाख डाल दो, 5 लाख डाल दो, जितना भी है आप डाल सकते हो। सिंपली यहाँ पे कंपनी नेम जो है दोस्तों आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हो, अगर किसी भी टाइप का अगर कंपनी का है नियरेस्ट में है, या फिर से काम कर चुके हैं, या फिर से करने वाले हो, या फिर से कुछ भी यहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल दोगे और जैसे आपका अप्रूवल आएगा मेल के जरिए या फिर से कॉल के जरिए तो उसको वहाँ पे आप बता सकते हो। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है सारा डिटेल्स को फिलअप करने के बाद। अब फ्रेंड आप देख सकते हो कि आपके सामने जो है दोस्तों बहुत सारा जो क्रेडिट कार्ड होगा दोस्तों यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें से जितने भी आपको क्रेडिट लिमिट मिला गया, यानी कि जो भी आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे देखने को मिला है, तो इसको आप आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हो। अब कैसे आप अप्लाई करना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा, तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको देखने की जरूरत पड़ेगा। यू आर एलिजिबल फॉर बिलो कार्ड SBI डॉक्टर है जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हो 1499 देना है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए एनुअल फी, तो आपको नीचे में आना है दोस्तों और यहाँ पे आप सिंपली सेव जो कार्ड है दोस्तों काफी ज्यादा कमाल का है। फाइनली दोस्तों देख सकते हो कि चूज कार्ड के ऊपर आ चुका है, अब आपको करना क्या है स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, नहीं तो यहाँ से आपका अप्रूवल नहीं होगा क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज्यादा मेन है। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री कार्ड, लेकिन अगर आप किसी भी कार्ड को अगर पेमेंट करते हो तो उसमें जो दोस्तों होता है अप्रूवल होने का बहुत ही ज्यादा। कंग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर बिलो कार्ड्स। मेरे को काफी ज्यादा यहाँ पे दोस्तों कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि कार्ड
कार्ड अप्लाई के लिए मेरे को मिल चुका है। तो हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, SBI का यहाँ पे सिंपली सेव कार्ड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, जो कि आपको सिंपली एड कम्पेयर जो है यहाँ पे देख सकते हो कि आ चुका है और साथ में यहाँ पे सिंपली सेव कार्ड। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि एनुअल स्पेंड जो है 1 लाख तक आप कर सकते हो। एनुअल फीस जो है दोस्तों आपको 499 प्लस आपको मिलने वाला है, 400 प्लस GST आपको लगने वाला। तो सिंपली अप्लाई नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपके सामने ऑप्शन बन के आ जाएगा। अब साथ में दोस्तों पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आ गया, आपका नाम दिखा देगा, अपना जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन जो है दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना रेसिडेंट एड्रेस डालना है, जो आपके आधार कार्ड के एड्रेस पे जो डाला होगा, यानी आधार पे जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस डालेंगे। सिंपली कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऊपर दोस्तों क्लिक करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछेगा, यहाँ पे डिजिग्नेशन पूछ रहा है, यानी कि आप किस पद पे हो। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि ऑपरेटर हो या फिर से एग्जीक्यूटिव हो या फिर से जो भी हो डाटा ऑपरेटर हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डाल देते हैं दोस्तों डाटा ऑपरेटर या फिर से डाटा इंजीनियर असिस्टेंट, डाटा असिस्टेंट है, डाटा मैनेजर है, डाटा एनालाइज, या फिर से आप यहाँ पे डाल दो ऑपरेटर एग्जीक्यूटिव है, SS ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। साथ में यहाँ पे ऑफिस एड्रेस जो है दोस्तों यहाँ पे आपको डालना है। तो आपने कोई भी कंपनी का अगर एड्रेस डाले हैं, ऑफिस डाले हैं, तो सिंपली क्या करना है, उसको अपने गूगल में सर्च कर लेना है उस कंपनी का एड्रेस और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है उसका। दोस्तों यहाँ पे ऑफिस का जो पिन कोड होगा उसको भी यहाँ पे डालने के बाद दोस्तों सिंपली कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। थैंक यू अप्लाइंग फॉर SBI कार्ड, विल गेट बैक टू यू सून। तो अब आपको दोस्तों करना क्या है कि आपको वेट करना है, जैसे वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आएगा उसके बाद इजिली आपको अप्रूवल मिल जाएगा, क्योंकि आपका सिविल भी बेस्ट है और देख सकते जैसे आपने देखा कि बहुत सारे मेरे को क्रेडिट कार्ड लिमिट यहाँ पे मिला हुआ था। तो इजिली आपको अप्रूवल मिल जाएगा। यहाँ पे आपका होम वेरिफिकेशन होता है, यानी आपका जहाँ भी विलेज होगा, जहाँ भी आपका घर होगा वहाँ का वेरिफिकेशन होगा। कुछ जो डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों ईमेल के माध्यम से आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मांगा जाएगा, उसके बाद इजिली अप्रूवल हो जाएगा। 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका SBI जो कार्ड होगा दोस्तों यहाँ पे मेक माई ट्रिप की तरफ से यहाँ पे भेजा जाएगा, जो कि मेक माई ट्रिप का भी उस पर लोगो होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।